Hello students. Okay, let's start our chapter Human Geography, Nature and Scope. And in the last class we have already discussed about human geography, dualism in human geography, dualism in geography and nature of human geography. And today we will continue with our next topic, and that is naturalization of human and humanization of nature. So iski starting mein jo hai sabse pehle iske andar ek para diya hai jisme kuch do question bante hain. Pehle hum usko discuss karte hain. First hum question ko read karte hain. How nature or natural laws are important to develop technology? What are the importance of technology in human and physical environment interaction? देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्या है कि हाउ नेचर और नेचुरल लॉज आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी. देखो हमको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में नेचर और नेचर के लॉज जो हैं वो किस तरह इम्पोर्टेंट हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसकी ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच इंट्रैक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये दो क्वेश्चन अगर बन सकते हैं इसके अंदर से जो हमारा इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग में जो पैरा दिए हैं, तो हम पहले जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट लेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आमतौर पर एग्ज़ाम में इसको देखा गया है कि हाउ नेचर और नेचुरल लॉज आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी. तो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज. तो जो ह्यूमन बींग है वो केवल तभी एक अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकती है अगर उसके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किसकी, नेचुरल लॉज की. फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस टू डिस्कवर फायर. कि जो नेचर के जो लॉज हैं, फ्रिक्शन का जो लॉ है, जो हीट का लॉ है, उसी के कारण ही जो है हमने फायर को डिस्कवर किया. जैसे आपने देखा कि हमने जो है देखा कि पत्थर को रगड़ने से, फ्रिक्शन से जो है फायर जनरेट होती है, या फिर बहुत ज़्यादा हीट से भी फायर जनरेट होती है. तो ये एक नेचर के लॉज थे, नेचर से हमको मिला और उसी के बेस पे हमने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और आज हम बहुत इजीली फायर कर सकते हैं. तो ये हमें कहाँ से मिला, नेचुरल लॉज से मिला. सेकेंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ DNA एंड जेनेटिक्स एनेबल्ड अस टू कॉन्कर मैनी डिसीज. तो जो ये नेचर के जो लॉज हैं, DNA और जेनेटिक्स के जो लॉज हैं, उन्हीं ने ही हमें ऐसा सक्षम बनाया, एबल बनाया कि हमने जो है इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ की जो इलाज है ना, उसको हमने जो है कॉन्कर किया और उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त की, उसको जीता हमने. तो वो हमें कहाँ से मिला, DNA और जेनेटिक्स जो कि नेचुरल लॉज हैं. जैसे DNA और जेनेटिक्स जो है हमें हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में और उसके लिए वैक्सीन या मेडिसिन बनाने में. तो इसी कारण जो है हमने उन बड़ी बड़ी डिजीज़ के ऊपर विजय प्राप्त की. थर्ड है, लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स हेल्प अस टू डेवलप फास्टर प्लेन्स. तो जो एरोडायनामिक्स के जो लॉज हैं वो भी जो है उन्होंने भी हमें जो है हेल्प किया किस में, बहुत जो अच्छे जो एरोप्लेन्स हैं उनको, फास्टर जो प्लेन्स हैं उनको डेवलप करने में. देखो जो एरोडायनामिक्स के जो रूल होते हैं उनके कारण ही जो है हमने देखा कि कैसे हम जो है हवा को काट सकते हैं और जितनी भी रेसिस्टेंस उसके सामने आएंगी तो हम प्लेन को ऐसा शेप दें. तो वो सब हमको किसने मतलब हमें मिला, हमें कहाँ से मिला, हमें नेचर का जो एरोडायनामिक्स के जो रूल हैं हमें वहाँ से जो है ये सब मिला है. ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम आगे देखें तो आप देखो लो, सो वी कैन से दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन द शेकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बींग. तो हम कह सकते हैं कि जो नॉलेज है नेचर की वो हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड दिस टेक्नोलॉजी लूजन द शेकल्स ऑफ एनवायरनमेंट. और जो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे ऊपर जो एनवायरनमेंट की, जो नेचर की जो बेड़ियाँ हैं उनको कमज़ोर करती है, उन्हें हटाती है ह्यूमन बींग्स पर से. तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि नेचुरल लॉज जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे किस तरह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में. तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आता है. अगला है, इसी में ही एक मैंने ऐड किया था इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जो ह्यूमन बींग है वो जो है हमारा कैसे हेल्प करता है,
जो फिजिकल और ह्यूमन का जो इंट्रैक्शन है उसमें बहुत कारगर सिद्ध होती है। क्या किस किस की हेल्प से होता है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन एक नंबर में भी एमसीक्यूज में भी आया है कि ह्यूमन बीइंग्स इंट्रैक्ट्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ। दिस टाइम आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी आपको टिक करना होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगर हम डीप पढ़ते हैं, अगर हम बिल्कुल इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं छूटता है। और मतलब अगर आप इसी तरह से एनसीईआरटी को इन डेप्थ में स्टडी कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन खुद बनाइए। ये आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। सिर्फ आप एक एनसीईआरटी के बेस पे, आपको कोई हेल्प बुक की जरूरत नहीं है साइड बाय साइड। आपको सिर्फ और सिर्फ पिक टू एनसीईआरटी चलना है, और इससे बाहर कोई एग्जामिनर नहीं बनाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो आगे देखते हम, सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट वट ह्यूमन बींग प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ वट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट। कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन बींग क्या क्रिएट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसकी हेल्प से, किस टूल की हेल्प से, किस टेक्निक की हेल्प से वो प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो, टेक्नोलॉजी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये एक एक सोसाइटी का कितना कल्चर डेवलपमेंट हुआ है उसको भी इंडिकेट करती है। आप देखो, एक टाइम था जब प्रिमिटिव स्टेज थी, जब एंशियंट मानव था, जो आदि मानव था, उस समय की स्टेज में और आज की स्टेज में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है टेक्नोलॉजी। उस टाइम भी मानव के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नेचर के चारों ओर फैले हुए थे, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उस समय मानव गुफाओं में रहता था क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ईंट बनाकर जो है अपना मकान खड़ा कर ले, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी और हम ये कर सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी सोसाइटी के कल्चर डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है कि कोई सोसाइटी कितनी डेवलप है। तो आप यहाँ से उसकी इंपॉर्टेंस को अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये एक नेक्स्ट पॉइंट जो है, टेक्नोलॉजी लूजन द शेकल्स ऑफ एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग्स। हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये जो है एनवायरमेंट के ऊपर, जो हम एनवायरमेंट की जो हमारे ऊपर जो बेड़ियाँ हैं उसको कम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों हमने पढ़ लिए हैं, और अब इसको गौर कीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट है जो, अब यहाँ से जो है हमारे तीन मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, और जिसमें जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन आस्क इन्हीं में से ही करता है, तो इनके ऊपर बहुत फोकस करना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि एवरेज पेपर जो है वो 60% जो है वो इसी तरह से आता है। कि देखो, ये क्वेश्चन तो सबको करना है और ये करना ही करना है, लेकिन जो वो जो अदर क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ आगे पीछे, इस तीन कॉन्सेप्ट के बाद करवाऊंगा, ये इन तीन कॉन्सेप्ट से जो पहले हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो पूरा 100% सिक्योर करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य है कि उन्हें 100 में से 100 नंबर चाहिए ज्योग्राफी में, तो वो लोगों के लिए आपको देखो पूरा पढ़ने का। अगर आप पहले से ही कुछ छोड़ कर पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 100% मार्क्स की क्योर कर सकता हूँ। जो 100% की रेस में होगा वो पूरा पढ़ेगा, और जो पूरा पढ़ेगा वो डेफिनेट है। अगर आपको 100 नहीं मिला, 98 मिल गया, लेकिन कम से कम आपने एफर्ट तो 100 का किया। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, जिसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसको 100% मार्क्स चाहिए, जिसको अपना परसेंटेज हाई रखना है, तो उसके लिए है कि आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए। और मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बाकी हर किसी का अपने हिसाब से एक लेवल होता है, वो उसी हिसाब से उसको लेता है। तो अगर शुरू करते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म। अब देखो, ये टॉपिक जो है इसमें एक प्रिमिटिव स्टेज का एग्जांपल दिया गया है, उस स्टेज को इन्होंने एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म कह दिया। हिंदी में इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, यानी कि जो मानव का प्रकृतिकरण हो गया है इसमें, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो इसमें क्या है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। देखो, मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव स्टेज थी, उस समय पर मानव पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था किससे? फिजिकल एनवायरमेंट से। वो उसी गुफाओं में रहता था, मतलब उसी के पेड़ों से फल लेता था, नेचर से ही फल खाता था, कंदमूल वगैरह खाता था, इसके अलावा जो है उसकी उसी की छाल ओढ़ता था, तो हर चीज़ वो नेचर से लेता था, वो पूरी तरह से डिपेंड था नेचर के ऊपर। तो आप यहाँ ये कह सकते हो। अब आगे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और इस टाइप का जो इंट्रैक्शन है बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉज टर्म्ड एज एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। और इस प्रकार का जो इंट्रैक्शन है प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी के और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर के बीच में, उसे ही हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए
कि एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म क्या है, तो आप ये एक अच्छे से डेफिनेशन देके बता सकते हो। और इसी को हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन का जो है वो नेचुरलाइज कर दिया, कि पूरी तरह से ह्यूमन क्या है, प्रकृति पर निर्भर है, ये आप बताना चाह रहे हो यहाँ पर। अब ऐसा क्यों है? दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय पर जो जो टेक्नोलॉजी का लेवल जो था वो बहुत लो था, और जो स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट है वो भी क्या थी, एक प्रिमिटिव स्टेज पर थी, एक इनिशियल स्टेज पर थी। तो आप ये बताओगे इसके अंदर। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ ए नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। मतलब उस सिचुएशन में हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था, कि एक ह्यूमन जिस पूरा जिसका जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, जो नेचुरलाइज्ड था, हु लिसन टू नेचर, जो हमेशा प्रकृति की ही सुनता था, वॉज अफ्रेड ऑफ इट्स वरी, और वो उसके प्रकोप से डरता था कि कहीं भूकंप आ जाए तो वो इनसे डरता था, मतलब प्रकृति से पूरा ही उसे डरता था। एंड वर्शिप डिट, और उसी की पूजा करता। देखो उस समय पर सभी लोग जो है पेड़ पौधों की पूजा करते थे, है ना, पर्वत में कोई भी पर्वत की पूजा करते थे, तो वो उसी से ही पूजा करता था। और आगे है, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो हमारे एनसीआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम उसी को लेंगे। एक बेंडा, एक सोसाइटी है बेंडा ट्राइब, वो कहाँ पर है, वो प्रिमिटिव सोसाइटी है। वो कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है, कहाँ के, अबूझ माड़ के, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, खासकर ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, और उसमें ये ट्राइब रहती है, और ये बहुत ही प्रिमिटिव कंडीशन में जीती है। आज भी बहुत सी ऐसी ट्राइब है जो प्रिमिटिव कंडीशन में जी रही हैं, है ना, तो उनमें से ये भी एक है बेंडा ट्राइब, तो आप इसको कंसिडर करोगे। इसके अलावा जैसे कई आर्कटिक के इलाके में स्कीमो ट्राइब है, तो ऐसी बहुत सी ट्राइब हैं जो अभी भी प्रिमिटिव स्टेज में है, जो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड है। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म का या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का। अब इसके इसके जो फॉलोअर्स हैं, देखो इसके नीचे आप फॉलोअर्स देख लो एक बारी। आपकी बुक में तीन के बारे में डिस्कस किया, रेडजल, सैंपल एंड एंड विडाल डिलाब्लाश। तो इनमें से जो दो हैं, रेडजल और सैंपल, वो एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के वो फॉलोअर्स रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, ये भी किसके फॉलोअर थे, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के, प्रकृति को वो ऊपर रखते थे, मतलब ठीक है ना। तो ये है, इसमें क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, बस यही क्वेश्चन, व्हाट इज एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, डिस्क्राइब इट्स करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्सप्लेन। बस आपको वहाँ पर समझना होगा कि वो किस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कई बार इसको घुमाकर पूछा जाता है। घुमाकर इन द सेंस कि इसी में से कोई भी एक जो है एक ऐसी डेफिनेशन दे देंगे जिसमें दिखाया गया कि प्रकृति पर मानव पूरी तरह से डिपेंड है। बस आप उस डेफिनेशन को समझ जाओगे और समझ लोगे कि हाँ वो एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के बारे में पूछ रहा है, तब आप ये सारा उसके अंदर लिख दोगे और आपका आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो बस वहाँ पे आपको समझना, देखो डायरेक्ट पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा जो मैंने दो क्वेश्चन दिया, इनडायरेक्ट पूछेगा तो कोई भी एक स्टेटमेंट उठा लेगा, है ना, तो वो आपको समझना होगा कि वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक अगला कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और पॉसिबलिज्म पर है। अब देखो ये क्या है, अब देखो जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड द फोर्सेज ऑफ नेचर एंड डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग जो थे वो समझने लग गए एनवायरनमेंट की, जो जो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने लग गए, और उसके जो नेचर के जो फोर्स हैं उनको भी समझने लगे, और उसके बेस पर उन्होंने क्या किया, डेवलप किया नई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को। जैसे आपने देखा हम नेचुरल लॉज के आधार पर, हमने जैसे एरोडायनामिक्स के लॉ के आधार पर हमने बहुत बड़े बड़े प्लेन बनाए, फास्टर प्लेन बनाए, है ना। तो इसी तरह से जो है हमने नेचर के लॉज को लिया और मतलब हम समझा नेचर के लॉज को, नेचर को अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद हमने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके अलावा है दे मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। तो इस अब जो है वो एक स्टेट थी, किससे, नेसेसिटी की स्टेट से वो फ्रीडम की स्टेट पर आ गए। यानी कि पहले क्या थी, पहले जो पिछले हम कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म में, वहाँ पर एक नेसेसिटी की स्टेट थी, यानी कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता थी, कि हर चीज़ प्रकृति पर डिपेंड था, मांगता था, आवश्यकता थी उसको हर चीज़ की, किससे, प्रकृति से। लेकिन अब मानव खुद अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर अपने कर्तव्य दिखा रहा था, तो इसी को कहते हैं कि नेसेसिटी टू
टू ए स्टेट ऑफ फ्रीडम. अब वो फ्रीडम की स्टेट पे आ गया, अब उसके पास खुद के पास टेक्नोलॉजी है तो वो फ्रीडम में आ गया है. तो आप यहाँ से समझ जाओगे, देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है. और एक मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा है जिसमें यही दी हुई थी स्टेटमेंट, और बस उसने कहा था कि उसमें लिखा था डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट. तो आपने बस ये चीज़ समझ लेनी है कि अननेसेसरी डेवलपमेंट इट मीन्स इट्स ही इज़ आस्किंग अबाउट पॉसिबिलिज्म. तो वहाँ आपको अंडरस्टैंड करना होगा इस चीज़ को, तो ये देखना होगा. दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज एंड कल्चर लैंडस्केप विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट. देखो उन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज डेवलप कर ली थी, और इसी के बेस पर जो है, किसके बेस पर, उन्हें जो रिसोर्स ऑब्टेन किए थे एनवायरमेंट से, उसके आधार पर उसने बहुत सारी मतलब कल्चर लैंडस्केप और क्रिएट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर ली थी उसने. जैसे आप देखो कि एक टाइम था कोयला तो ज़मीन के नीचे पहले भी दबा हुआ था, लेकिन हमारे पास उस समय पर क्या नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. तब वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, तब वो हमारे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी आई वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया. हमारे पास हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया. आज भी अफ्रीका की बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत कुछ है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो उसको निकाल नहीं सकते हैं. तो वो कब आया, जब हमने उसको समझा और नेचर के रूल्स को समझा और फिर हमने उसको निकाला. तो ये एक वो स्टेज है. अब इसी के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो एनसीईआरटी में हैं. द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर, हेल्थ रिसॉर्ट्स ऑन हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड्स ऑर्चार्ड एंड पास्चर्स इन प्लेन एंड रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, ओशन रूट्स ऑन द ओशन सरफेस एंड सेटेलाइट इन द स्पेस. तो ये सारे बहुत सारे क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं. देखो जैसे कि हमने क्या किया हुआ है, हेल्थ रिसोर्ट बनाए, बड़े बड़े रिसोर्ट्स बना लिए हमने. कहाँ पर, हाईलैंड्स, ऊपर हिल स्टेशन में आप देखो जाते हो तो बहुत बड़े होटल्स बने हुए हैं. तो ये एक एग्जांपल है कि जिस जगह पर हम कभी जा नहीं सकते थे, पहाड़ों पर, हिल्स पर, लेकिन आज हम वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं. तो एक ह्यूमन के इम्प्रिंट्स हैं नेचर के ऊपर, वो दिखा रहा है कि हम देखो इतनी दुर्गम इलाकों में भी हमने होटल्स बना रखे हैं. तो ये आप किसका दिखा रहे हैं, ये फ्रीडम की स्टेट है, ये पॉसिबिलिज्म की स्टेट है कि आप पॉसिबिलिटीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हैं. अब आपके मन में रहता है कि आप कुछ भी हो सकता है ना. मुझे याद है कि मतलब हमारे एक प्रोफेसर थे, वो सर बोलते थे कि देखो कभी आप देखना कि लोग एक समय पर मतलब जो है गेहूँ की आटे से भी बिजली बना लेंगे. तो इस तरह कुछ उन्होंने बताया कि भाई समय आएगा इस तरह का. अब देखो उसका कोई अभी एविडेंस नहीं है कुछ भी ऐसा, लेकिन सर ने मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, कि वो बोलते थे कि कुछ भी हो सकता है, एवरीवेयर इज़ पॉसिबिलिटीज़, है ना. तो कुछ भी हो संभावना है. इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे फील्ड्स हैं, अर्बन स्पर्ल्स है, मतलब पूरा फैलाव कर दिया, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गई हैं, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट हैं, ओशनिक रूट्स हैं, ओशन सर्विस के ऊपर हमने ओशनिक रूट्स बना लिए, हमारे शिप्स जाते हैं, सेटेलाइट्स इन द स्पेस हैं. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं. इसके अलावा एक एग्जांपल है नीदरलैंड का. नीदरलैंड ने क्या किया, वहाँ पर ओशन बॉडी को पीछे धकेल दिया और जो जगह मिल गई उसके ऊपर उसने कल्टीवेशन शुरू कर दिया. तो एग्रीकल्चर के लिए उसने यूज़ किया उसको. तो ये उस लैंड को जिस जो उसने ओशंस को पीछे धकेल कर जो लैंड जो उसने ली प्राप्त की, उस लैंड को उसने पोल्डर नाम दिया जाता है. आज पोल्डर बोलते हैं वहाँ पर इसको, उस लैंड को जिस पर कल्टीवेट किया. तो ये एक किस्म से कुछ साइंस है हमारे, इम्पैक्ट्स हैं, इम्प्रिंट्स हैं हमारे नेचर के ऊपर. तो अगला पॉइंट है, नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज. देखो इसमें बता रहा है कि नेचर हमको प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, हमको अवसर देती है, और ह्यूमन बींग उसका यूज़ करता है और उससे जो है मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करता है, डेवलप करता है. तो हमारे पास चारों तरफ संभावनाएँ ही संभावनाएँ हैं, बस हमको उसको अपॉर्चुनिटी बनाना है और उसका यूज़ कर लेना है. तो और इसी तरह से स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज, इसी तरह से नेचर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ह्यूमनाइज हो जाएगी. देखो पिछले में हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन गेट नेचुरलाइज, यहाँ पे क्या है, नेचर गेट्स ह्यूमनाइज, अब नेचर को हम ह्यूमनाइज कर रहे हैं कि हम नेचर पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं. देखो पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है आज के. देखो अब देखो अगर नेचर ने अपना जो दिखाया प्रकोप कोरोना वायरस, आज सब लोगों को घर पर बैठा दिया, तो हमने इस नेचर को बहुत क्षति पहुंचाई है, उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं. क्योंकि हमने बहुत कुछ किया है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बड़े बड़े हमने ऐसे ऐसे सिस्टम है ना, ओजोन डिप्लीशन, ये हमारे सामने है. क्योंकि हमने इतना कुछ मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हमने और प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाया. आज हम पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये एक साइन है. आगे जो थर्ड कॉन्सेप्ट जो आएगा उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ना तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट है ना ही ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट है. तो हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको पूरा करते हैं. तो स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर. और धीरे धीरे जो है उसने अपने साहसी कदम जो है वो उसके ऊपर नेचर पर
छाप जो है उसने छोड़नी शुरू कर दी. द अर्लियर स्कॉलर टर्म्ड दिस एज पॉसिबिलिज्म. जो अर्लियर स्कॉलर है उन्होंने इसको क्या कहा था, पॉसिबिलिज्म कहा था. और उनमें कौन कौन से स्कॉलर थे, पॉल विडाल डिला ब्लाश एंड लूसियन फेब्रे जीन ब्रूंस, बहुत सारे थे लेकिन आप एक ही दो ध्यान रख लेना, ये दोनों जो मैंने लिखे हैं इसमें. लूसियन फेब्रे ने पॉसिबिलिज्म टर्म दिया था, जो पॉसिबिलिज्म टर्म को जो इन्वेंट किया था वो लूसिन फेब्रे ने दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे पहले विडाल डिला ब्लाश ने दिया था. अभी को इसमें एक एग्जाम्पल दिया है ट्रॉन्ड हेम का, एक टाउन है नॉर्वे में, वहाँ पे भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वहाँ पर इतनी मतलब हार्श कंडीशन है वेदर की, हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है और पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पर, उसके बावजूद भी वहाँ लोग काम करते हैं, है ना. और जो है वहाँ पे एक लेडी है वो जो है मतलब उसके अंदर जाती है मतलब अपना जो ऑफिस में जाती है, ऑफिस के अंदर वहाँ पे 23-24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है जबकि बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है. और इसी तरह से वो एक घंटे में लंदन पहुंच जाती है फ्लाइट लेकर. तो वो सब कुछ उसमें दिखाया गया कि किस तरह से ह्यूमन ने ऐसी ऐसी जगह पर जाकर भी अब बसना शुरू कर दिया, और ये क्या है, ये उसके इम्प्रिंट्स हैं. तो ये सब चीज़ें हैं, ये एग्जांपल है. आप एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो, आपके हाथ में एग्जाम्पल, आप जिस फ़ोन से देख रहे हो ये भी उसका एक एग्जाम्पल है कि आप इतनी दूर बैठी चीज़ों को आप अपने पास देख रहे हो. तो ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिज्म का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है. तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट पूछ जाएगा आपसे कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, एक्सप्लेन व्हाट इज पॉसिबिलिज्म, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स, और इसके बीच में कोई भी एक लाइन उठा लेगा और इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है. तो ये दो कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको पूरा करेंगे इस चैप्टर को. तब तक के लिए आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को एक या दो बार देख लीजिएगा, अगर एक बार में नहीं आ रहा कुछ समझ में दूसरी बार में 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा. इसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, मुझे नहीं लगता कुछ आपको दिक्कत आएगी. फिर भी कुछ दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे. ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर.